तो चलिए गाइस चलते हैं और बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस की। आमतौर पर फास्फोरस जो ऑक्साइड बनाता है गाइस वो 10 तरीके के बनाता है, जिसमें से सबसे पहला तरीका है यहां पे P4O1, दूसरे वाले को हम कहते हैं P4O2, ऐसी P4O3, P4O4, P4O5, P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। तो गाइस ये है 10 तरीके के ऑक्साइड जो फास्फोरस क्या करता है, फॉर्म करता है, जिसमें से हम P4O6 को कभी कभी P2O3 भी लिख देते हैं गाइस, जैसे हम लोग कहते हैं फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, और P4O10 को हम लोग लिख देते हैं P2O5, जिसे हम लोग कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स। अब गाइस अगर मुझे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस के स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फास्फोरस के बारे में, और फास्फोरस में पता होना चाहिए व्हाइट फास्फोरस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। कंफिगरेशन करेंगे तो पहले शेल में गए 2, दूसरे में गए 8, तीसरे में गए 5। इट मींस फास्फोरस के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो टोटल कितने होते हैं 5, व्हिच वी कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब गाइस अगर मैं बात करता हूं व्हाइट फास्फोरस की, तो व्हाइट फास्फोरस को हम लोग कहते हैं P4 गाइस। क्या कहते हैं? P4। और जो व्हाइट फास्फोरस होता है गाइस वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी गाइस। अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। अब उसकी गाइस रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि जैसे ही हम व्हाइट फास्फोरस को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेके आते हैं या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेके आते हैं, वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद बन जाता है येलो फास्फोरस बन जाता है। अब बात करते हैं व्हाइट फास्फोरस P4 के डायग्राम की स्ट्रक्चर की। तो P4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है गाइस, ये रहा एक P, ये दूसरा P, ये तीसरा P और ये चौथा P, जिसमें से फास्फोरस अटैच होते हैं इस तरीके से, और हर एक इंडिविजुअल फास्फोरस जो होता है वो 3 फास्फोरस के साथ अपने बॉन्ड बनाता है। जैसे इस वाले फास्फोरस ने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया और नीचे के साथ बनाया, तो हर इंडिविजुअल फास्फोरस यहां पे टोटल मिला के 3 बॉन्ड बनाता है दूसरे फास्फोरस के साथ। अब आप देखेंगे कि हर एक फास्फोरस ने कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया है, 3 से। इट मींस टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्म किए, मतलब यहां पे हर एक फास्फोरस के पास क्या रहा होगा, एक लोन पेयर रहा होगा गाइस, हर किसी के पास एक एक लोन पेयर रहे होंगे। अब हम लोग अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिग्मा और लोन पेयर के लिए। तो यहां पे ये फास्फोरस को देखिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, टोटल हो गए 4। इट मींस यहां पे हर फास्फोरस का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, sp3, और sp3 में जो स्ट्रक्चर होता है गाइस वो होता है टेट्राहेड्रल। अब अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो गाइस यहां पे जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होता है, 60 डिग्री होता है गाइस। कितना होता है, 60 डिग्री यहां पे बॉन्ड एंगल होता है फास्फोरस के बीच में। और अगर हम लोग बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो गाइस आपको ये जो बॉन्ड लेंथ दिख रहा है कौन सा, ये पीपी वाला बॉन्ड, पीपी वाला बॉन्ड, तो गाइस ये जो बॉन्ड लेंथ यहां पे होती है ये होती है 225 पिकोमीटर। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने जाना फास्फोरस के बारे में, हमने क्या क्या देखा, एक बार रिव्यू करते हैं। हमने कहा अगर हम ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस आमतौर पर 10 तरह के ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसमें से P4O6 को हम कभी कभी P2O3 भी लिखते हैं फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, और P4O10 को हम लोग लिखते हैं P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब जो फास्फोरस होता है उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से अगर हम व्हाइट फास्फोरस की बात करें तो व्हाइट फास्फोरस होता है P4। P4 होने का मतलब ये कि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल का मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे ही व्हाइट फास्फोरस को हम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है और येलो फास्फोरस बन जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन हर फास्फोरस की sp3 होती है, बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ होता है गाइस 225 पिकोमीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस के स्ट्रक्चर की विद क्वेश्चंस गाइस। सो गाइस अगर हमें ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस के स्ट्रक्चर बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस कैसा था, ये रहा पी,
एक पी हमारे पास ये रहा, एक पी हमारे पास ये रहा गाइस, और एक पी हमारे पास ये रहा। हम व्हाइट फॉस्फोरस बनाएंगे इस तरीके से, ये हमारा बन गया व्हाइट फॉस्फोरस गाइस। और व्हाइट फॉस्फोरस में अगर मुझे सबसे पहला ऑक्सो एसिड बनाना है P4O1, अगर मुझे P4O1 बनाना है गाइस, तो आपको कुछ नहीं करना, जहां आपको PP बॉन्ड दिख रहा है गाइस, PP बॉन्ड दिख रहा है, वहां पे आप उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन डाल के उन्हें बना दीजिए POP बॉन्ड। क्या बना दीजिए? POP बॉन्ड। अब कैसे बनेगा? बड़ा सिंपल है। आपने यहां से PP बॉन्ड को हटाया और यहां पे क्या कर दिया? एक ऑक्सीजन लगा दिया। इट मींस ये क्या बन गया? P4O1। अगर मुझे P4O2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? PP वाले एक और बॉन्ड को हटाऊंगा और एक और ऑक्सीजन जोड़ दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका P4O2। P4O3 अगर मुझे बनाना है तो मैं एक और PP बॉन्ड को हटाऊंगा और क्या जोड़ दूंगा? एक ऑक्सीजन जोड़ दूंगा गाइस और बना दूंगा POP बॉन्ड। अगर मुझे P4O4 बनाना है तो एक और PP बॉन्ड को हटाइए और एक ऑक्सीजन डाल दीजिए। अगर मुझे P4O5 बनाना है, PP बॉन्ड को हटाऊंगा और एक ऑक्सीजन पुट कर दूंगा। अगर मुझे P4O6 बनाना है तो फिर से एक एक PP बॉन्ड को हटाइए और बीच में क्या डाल दीजिए गाइस? ऑक्सीजन। तो ये बन गया आपका P4O6 तक के स्ट्रक्चर गाइस, ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे गाइस? क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि जो फॉस्फोरस होता है उसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। तो हर फॉस्फोरस के पास होगा एक एक लोन पेयर, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? दो दो लोन पेयर होता है। तो एक लोन पेयर ये हो गया, एक ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया गाइस, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक दो, एक दो, एक और दो। सो गाइस क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये था कि अगर हम बात करते हैं P4O6 की, तो P4O6 में POP बॉन्ड कितने फॉर्म है? अगर हम बात करते हैं P4O6 में POP बॉन्ड की, तो आप देखेंगे एक तो ये बन रहा है POP, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छह। तो अगर हम P4O6 में POP बॉन्ड की बात करें तो टोटल POP बॉन्ड कितने बनते हैं यहां पे? सिक्स। अब अगर हम बात करें लोन पेयर की, टोटल लोन पेयर कितने गाइस यहां पे, तो आप देखेंगे कि यहां पे टोटल मिला के छह ऑक्सीजन है और छह ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 12 लोन पेयर। तो ये हो गए। और अगर आप फॉस्फरस को देखेंगे तो फॉस्फरस हमारे पास कितने हैं यहां पे? चार, और हर चार के पास एक एक लोन पेयर है, तो टोटल मिला के ये हो गए 4 लोन पेयर। तो जो टोटल लोन पेयर P4O6 में है गाइस, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 16 लोन पेयर। अब अगर आपसे पूछा गया कि बताइए फॉस्फोरस का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा गाइस, तो फॉस्फोरस का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और एक लोन पेयर, तो हो गए टोटल चार। इट मींस यहाँ पे फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3। गाइस ये याद रखिएगा कि अगर आप ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस की बात कर रहे हैं तो फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा sp3 ही रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा sp3 ही रहेगा गाइस। अब आई होप आपको P4O6 तक समझना आ गया होगा गाइस। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं आगे के ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस के स्ट्रक्चर की। सो गाइस अगर मुझे बनाना है स्ट्रक्चर P4O7 का, तो आप कुछ मत कीजिए, आपको जो फास्फोरस के पास लोन पेयर दिखा रहा है, इस लोन पेयर में एक ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए गाइस इस तरीके से। तो ये बन गया P4O7, और आपको पता है ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये बन गया P4O7। अब गाइस सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए P4O7 में POP बॉन्ड कितने हैं, तो गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे POP बॉन्ड के, तो आप चेक करेंगे एक दो तीन चार पांच छह, POP बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? सिक्स है गाइस। अगर यहाँ पे पूछा गया ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन गाइस, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे यहाँ पे पूछी गई, तो देखिए गाइस ये जो अंदर वाले आपको ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इस ऑप्शन को जैसे पकड़ लेते हैं, तो इस ऑप्शन के पास एक दो तीन चार, टोटल मिला के दो सिग्मा है और दो लोन पेयर है, मतलब यहां पे जो ऑक्सीजन है उनका यहां पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं इस भार वाले की, ये जो भार वाला आपको दिख रहा है गाइस, यहां पे देखिए दो लोन पेयर है और एक सिग्मा है, तो इस वाले ऑक्सीजन का जो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा? sp2। तो अंदर वालों का, इनर वाले ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होता है गाइस, जो टोटल मिला के कितने हमारे पास? सिक्स। क्लियर है? और अगर वहीं पे अगर मैं बोलूं भार वाले का ऑक्सीजन जो कहां पे है? आउटर वाला है, आउटर वाला है गाइस, उसका कितना है यहां पे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है गाइस। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस। चलिए मूव करते हैं कुछ और ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं P4O8 का, तो आपको कुछ नहीं करना, एक और फॉस्फोरस के लोन पेयर को यूज करके क्या डाल देना है? ऑक्सीजन डाल देना है, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होंगे? दो। इस तरीके से अगर P4O9 बनाना है, तो आप यहां पे इस फॉस्फोरस को हटा के, इसके लोन पेयर को हटा के ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। ऐसे अगर P4O10 बनाना है गाइस, तो यहां पे जो फॉस्फोरस है इसके लोन पेयर को यूज करके एक ऑक्सीजन यहां पे भी लगा दीजिए। तो ये बन गया आपका P4O10। सो गाइस क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बताइए P4O10 में, P4O10 में POP बॉन्ड कितने? तो गाइस अगर हम बात करते हैं POP बॉन्ड की, तो आप देखेंगे एक
दो तीन चार पांच छह, तो पीओपी वन यहां पे कितने हैं सिक्स। अगर पूछा गया फॉस्फरस की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो फॉस्फरस की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी गाइस, मैंने बताया था हमेशा इसकी हाइब्रिडाइजेशन कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा क्या रहेगी एस पी थ्री रहेगी गाइस। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए यहां पे पी डबल बॉन्ड ओ कितने बने, पी डबल बॉन्ड ओ तो आप देखेंगे टोटल लगे कितने, एक दो तीन चार, तो कितने हैं टोटल चार बॉन्ड है यहां पे। अगर आपसे पूछा गया टोटल लोन पेयर बताइए, टोटल लोन पेयर तो आप देखेंगे गाइस यहां पे ऑक्सीजन कितने हमारे पास टोटल 10, और 10 ऑक्सीजन के पास, 10 ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इट मींस ये हो गए हमारे 20 लोन पेयर, और फॉस्फरस के पास एक भी लोन पेयर नहीं है, तो यहां पे टोटल लोन पेयर हमारे पास कितने हो गए 20 लोन पेयर गाइस हमारे पास यहां पे हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है गाइस ऑक्साइड ऑफ फॉस्फरस से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं जो नीट जेईई में पूछा गया था गाइस रिलेटेड टू फॉस्फरस। तो गाइस क्वेश्चन ये था कि बताइए P4S3 का स्ट्रक्चर पहले तो बनाइए, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा गाइस बड़ा सिंपल है, आपको पता है पहले आप P4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये होगा इसका, ठीक है ये हमने बना दिया P4। अब आपको बनाना है P4S3, तो आप पीपी बॉन्ड को हटाएंगे और बीच में क्या जोड़ देंगे एक S यहां जोड़ दिया, एक S आप यहां जोड़ दीजिए गाइस और एक S आप यहां जोड़ दीजिए। अब आपको पता है फॉस्फोरस के पास होता है एक लोन पेयर और सल्फर के पास कितने लोन पेयर होते हैं दो, तो ये रहे एक, ये रहा दो, ये रहा एक, ये रहा दो, ये रहा एक, ये रहा दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गाइस की बताइए यहां पे पीएसपी बॉन्ड कितने बने। अगर हम बात करते हैं पीएसपी बॉन्ड की तो एक दो तीन, टोटल मिला के तीन पीएसपी बॉन्ड यहां पे बने। सेकंड गाइस टोटल मिला के यहां पे लोन पेयर कितने हैं, तो आप देखेंगे फॉस्फरस हमारे पास टोटल कितने हैं चार और फॉस्फरस के पास है एक एक लोन पेयर, तो ये तो हो गए फोर लोन पेयर। सल्फर हमारे पास है तीन और सल्फर के पास है दो लोन पेयर, तो ये बन गए हमारे सिक्स लोन पेयर। टोटल मिला के कितने लोन पेयर हो गए गाइस हमारे पास 10 लोन पेयर यहां पे हो गए। अगर आपसे पूछा गया कि बताइए हाइब्रिडाइजेशन बताइए फॉस्फोरस की, तो मैंने कहा था हाइब्रिडाइजेशन फॉस्फोरस की चेंज नहीं होती, जैसे इस फॉस्फोरस को अगर मैं देख लेता हूं तो यहां पे देखिए टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने, एक दो और तीन सिग्मा ये हो गए, एक लोन पेयर हो गए, टोटल हो गए चार, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी हमेशा sp3, तो फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो गाइस ये था ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर विद देयर क्वेश्चंस गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज बी कनेक्टेड विद मी ताकि आगे आने वाली सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।